नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। झारखंड राज्य ने तकनीकी रूप से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नागरिकों को परेशानी मुक्त और सुगम पेयजल सेवाएं प्रदान करने के लिए झार जल सेवा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत राज्य में पेयजल स्रोतों और हैंडपंपों को डिजिटल रूप से मैप किया गया है, जिससे जल आपूर्ति और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत किया जा सका है। राज्य में ऐसी पहल पर भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने झारखंड के तत्कालीन पेयजल एवं स्वच्छता सचिव डॉक्टर मनीष रंजन को इस अद्वितीय पहल के लिए सम्मानित किया है। डॉक्टर रंजन के नेतृत्व में विकसित इस प्रणाली को भारत सरकार ने सराहा और अन्य राज्यों को भी और राज्य में संचालित अन्य विभागों को भी इस मॉडल को अपनाने की सलाह दी। आपको बता दें, झार जल सेवा के माध्यम से नागरिकों की शिकायतों को रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाता है, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। ये प्रणाली पूरी तरह से कागज रहित है, जिससे न केवल कार्य में तेजी आई है, बल्कि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित हुआ है। ये सेवा नागरिकों को पारदर्शी और कुशल पेयजल आपूर्ति प्रणाली प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस सेवा के बदौलत राज्य में जल संबंधित समस्याओं का निवारण अब पहले से कहीं अधिक तेज और सरल हो गया है, जिससे नागरिकों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल रही हैं। झारखंड की झार जल सेवा योजना, जिसमें तकनीक का उपयोग कर नागरिकों के लिए सुविधाजनक पेयजल सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन गई है। डॉक्टर मनीष रंजन को इसी पहल के लिए मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। उनके साथ उनकी टीम से नेहा अरोड़ा, राजीव रंजन, पशुपति नाथ मिश्रा उपस्थित रहे।